नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिटर्न क्लासेस पे। देखिए, आपको एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही थी, ज्योग्राफी में आपको लेक्चर मिला था, तो एनसीईआरटी की टॉप 10 क्वेश्चंस की आपकी सीरीज चल रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो है। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम में आती है, यूपीएससी के जो एपीएफसी है, हम यूपीएससी का दावा सिर्फ एपीएफसी में ही करते हैं। यूपीपीसीएस 14 मई को है, आरओएआरओ, हाई कोर्ट, और इसके अलावा आपके साथ ही साथ क्या आता है, इसके अलावा आपके साथ ही साथ जो अपकमिंग एग्ज़ाम है UP SSC जो आने वाले हैं। देखिए, आने वाले इन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, SSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेंस अब SSC में होगा, CHSL और CGL में, उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। SSC CGL जो मेंस दे रहे हैं उनके सभी सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए बुध और शुक्र, दूसरा है शुक्र और पृथ्वी, तीसरा पृथ्वी और मंगल, चौथा मंगल और बृहस्पति। तो बताइए किसके बीच पाई जाती है जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। देखिए, ये सब जो है चारों चक्कर लगाते हैं सूर्य के, तो अगर इनको देखा जाए तो ये कई सारे क्या बोलते हैं, जब चक्कर लगाते हैं तो उनके बीच एक पट्टी बन जाती है, तो वो किसके बीच पाई जाती है? वो पाई जाती है आपका मंगल और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन नंबर डी। और मंगल पे आपकी जीवन की खोज हो चुकी है, पानी की खोज भी पूरी हो रही है, तो कुछ ही दिनों में आपकी जो है मार्स यानी मंगल ग्रह पे भी जो है जीवन का अस्तित्व तो आएगा, और आपकी चंद्रमा पे जैसे प्लॉटिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगी। एलोन मस्क वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पे प्लॉटिंग करी है और खरीदा है। अगला वीडियो, हमारे सौरमंडल, अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे नज़दीक कौन सा है? सबसे नज़दीक कौन सा है? अगर सबसे दूर पूछा गया, सबसे नज़दीक हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कौन सा है, सबसे नज़दीक है आपका बुध यानी मरकरी। तो सबसे दूर कौन सा है? बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे दूर है आपका बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी। अगला, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करना है। कथन आपका क्या कह रहा है? पृथ्वी के आकार को भू आब यानी जियोइड कहा जाता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण आपसे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि क्या क्वेश्चन है? हाँ, दूसरा आपसे कहा जा रहा है कारण में पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो क्या ऐसा है वाकई में? क्या ऐसा वाकई में है? तो इसी में से आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए इनके कारण, ये आपको कथन बता दिया गया है, अब कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो कारण में क्या रहेगा आपका? ये कारण में आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि क्या पूछ, हाँ, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है तो ए गलत है। इसमें कौन सा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? ये दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है? पृथ्वी के आकारों को भू यानी जियोइड बोला जाता है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपकी ना तो ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया है? अंतरिक्ष में देखने से, अंतरिक्ष से देखने ही पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। दूसरा क्या कह रहा है? पृथ्वी का हरा रंग हमें यह वनों के कारण दिखाई देता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? कभी आप लोग अपना इस टाइम एंड्रॉयड सभी यूज़ करते हैं तो गूगल अर्थ एक सॉफ्टवेयर है, गूगल अर्थ को डाउनलोड करिएगा और 3D में आप उसका मैप विजुलाइज करिएगा, 3D मैप में, तो जिस पॉइंट पे भी आप क्लिक करेंगे पूरा वो वहाँ पे जाकर के आपको दिखा देता है कि इस टाइम वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। इसी का यूज़ नासा करता था, गूगल सेटेलाइट्स। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या दोनों सही हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों नहीं सही हैं? तो ये बात बिल्कुल गलत है, दोनों ही गलत हैं। पृथ्वी को जब हम ऊपर से देखते हैं अंतरिक्ष से तो वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है, ना कि हरे रंग की, नीले रंग की। क्यों? क्योंकि 2/3 पोर्शन पे पृथ्वी के वाटर है, इसलिए इसको ब्लू
प्लेनेट भी बोला जाता है। अगला, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड, ये सभी जब मिलते हैं तभी आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तो वो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। दूसरा, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व उष्मा का स्रोत है। तो इसका कौन सा आपका राइट आंसर होगा, इसका कौन सा आपका राइट आंसर होगा, इसका आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, केवल दो या दोनों? दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो जब सौरमंडल के केंद्र में स्थित है तो इसको बांधे भी रखता है। दूसरा क्या है, सूर्य सौरमंडल के लिए सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि अब इसमें सूर्य में होता क्या है, हीलियम होता है, हीलियम इसकी एनर्जी का स्रोत है। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको जब आएगा तो लोग बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये NCERT क्लास 7 की NCERT का क्वेश्चन है। क्या है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो किस आकार में, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार और लघु वृत्ताकार। देखिए कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, तो इस नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, हु इज द सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ? तो अर्थ का जुड़वा ग्रह कौन सा है? वीनस होगा, शुक्र। अगला, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। देखिए इसमें आंसर ही दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ये इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे बड़ा और छोटा आप समझिएगा, देखिए सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमने आपको पहले ही बताया था, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। अब ये दोनों क्यों है? देखिए सबसे छोटा बुध इसलिए है क्योंकि ये परिक्रमण काल इसका छोटा, 88 दिनों में ये परिक्रमा करता है सूर्य की। दूसरा, सूर्य के सबसे नज़दीक है तो इसका साइज भी उस हिसाब से नहीं है। तीसरा क्या है, आपको बता रहे थे जो बृहस्पति, अब देखिए हम आपको आंतरिक और बाह्य ग्रह बताए थे, MVM, ये आंतरिक ग्रह की ट्रिक है, फिर से आपको बताने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है आंतरिक ग्रह, MVM, ये मंगल, ये वीनस यानी शुक्र, ये पृथ्वी, ये आपका कौन सा होगा, बुध। मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, ये चार आपके आंतरिक ग्रह हैं। अब इनमें सबसे देखिए लास्ट में कौन सा आ रहा है, बुध, तो ये सबसे छोटा, ये सबसे छोटा। अब वाह्य ग्रह में देखते हैं, वाह्य ग्रह की ट्रिक, जेसन, तो ये आपका जुपिटर यानी बृहस्पति, बृहस्पति, जुपिटर, सैचुरेशन, सैचुरन, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो को अब ख़त्म कर दिया, ग्रह नहीं माना जाता है। तो आपके क्या हो गया, देखिए वाह्य ग्रह में सबसे बड़ा कौन, सबसे पहले कौन आ रहा, बृहस्पति, तो ये सबसे बड़ा ग्रह हो गया। तो इस तरीके से हमने आपको ट्रिक से याद करा दिया है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। और साथ ही साथ शुक्र को क्या बोला जाता है, शुक्र को ब्राइट स्टार बोला जाता है, सांझ व सायन व भोर का तारा, और ब्राइट स्टार भी इसको बोला जाता है। चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, तो याद रखिएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टॉप 10 NCERT सीरीज से। आने वाले अपकमिंग वीडियो में आपको ऐसे ही आगे क्वेश्चन और मिलते जाएंगे, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्लास 6 to 12 के अकॉर्डिंग ये पूरा चल रहा है आपका, 6 to 12 NCERT की बुक का है ये सार, पूरा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए इसे। और इसकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी।
आंसर के लिए आपको चैनल पर विजिट करना है, वीडियो देखना है। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।